इस वीडियो में हम जल्दी से पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बारे में, उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय नाउ, व्हाइल द सिंपल पास्ट एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच हैपेंड एट ए डेफिनेट टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये एक्सप्रेस करता है किसी एक्शन को जो कंप्लीट हो चुका है अभी तक, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। लेकिन जो सिंपल पास्ट है वो एक्सप्रेस करता है एक एक्शन जो कि एक डेफिनेट टाइम पे ख़त्म हो चुका है पहले से, मीन्स पास्ट की बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन एन एसे, मीन्स मैं एक एसे लिख चुका हूँ, मीन्स अभी प्रेजेंट में अभी की बात हो रही है कि अभी वो लिख चुका हूँ, फिनिश्ड हो गया वो एक्शन। तो इसी तरह से अगर सिंपल पास्ट होगा तो आई रोट एन एसे यस्टरडे, मैंने एक एसे लिखा यस्टरडे, मीन्स कल का, एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है, वहाँ पे वो एक्शन ख़त्म हो गया। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम आर ऑफन यूज्ड इन द सिंपल पास्ट व्हाइल दे आर नेवर यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से जो एडवर्ब्स यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में पास्ट टाइम के लिए, तो वो सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में वो यूज़ नहीं होती। जैसे आप इन सेंटेंसेस में एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आई हैव बॉट अ कार, इसी तरह से आई बॉट ए कार लास्ट मंथ, ये आ गया सिंपल पास्ट। लेकिन अब हम कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करेंगे आई हैव बॉट ए कार लास्ट मंथ, तो मीन्स लास्ट मंथ नहीं आएगा। यहाँ पे हम एडवर्ब को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम एडवर्ब यूज़ नहीं करते। इसी तरह से नेक्स्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए कंप्लीटेड एक्शन। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किसी एक्शन के कंप्लीशन को शो करता है, बट ये प्रेजेंट स्टेट में बात कर रहा है। दैट इज़ इट एस्टेब्लिशेज इट्स रिलेशनशिप विद द प्रेजेंट। तो वो मीन्स जो एक्शन ख़त्म हो चुका है उसको रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से। द सिंपल पास्ट हैज़ नो रिलेशन विद द प्रेजेंट, लेकिन सिंपल पास्ट का प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 ईयर्स, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, मीन्स मैं दिल्ली में 4 सालों से रह रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 ईयर्स, मैं 4 सालों से रह रहा हूँ, मीन्स प्रेजेंट में भी अभी दिल्ली में ही हूँ। लेकिन अगर सिंपल पास्ट में बोलेंगे आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 ईयर्स, तो मैं दिल्ली में रहा 4 सालों तक, तो मीन्स 4 सालों तक रहा, लेकिन अभी प्रेजेंट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, अभी मैं कहीं और रह रहा हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाइज दैट आई एम स्टिल इन दिल्ली, वाइल द सेकेंड सेंटेंस मीन्स दैट नाउ आई एम लिविंग एट सम अदर प्लेस। तो वही फर्स्ट सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें ये क्या बोल रहा है कि दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 4 सालों से रह रहा हूँ लेकिन अभी भी दिल्ली में हूँ। और सेकंड सेंटेंस में क्या मीनिंग है कि पास्ट में रह रहा था दिल्ली में, बट अभी नहीं हूँ। तो अब देखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल है सिंपल है वो ये है कि वाज वर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की और उसके साथ ing। द नेगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर वाज वर, और नेगेटिव जो है उसमें हमने क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है वाज या वर के बाद। द इंटरोगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग वाज वर बिफोर द सब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में हम वाज वर सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। अब जो वाज है वो किस किस के साथ लगता है, वर किस किस के साथ लगता है, ये अभी हम देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है आई वॉज प्लेइंग, तो मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, तो आई के साथ वॉज लगा, प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, फिर वी वर प्लेइंग और वी वर नॉट प्लेइंग, फिर नेक्स्ट यू वर प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग,
He was not playing. She was playing. She was not playing. It was playing. It was not playing. Here they were playing. They were not playing. Ravi was playing. Ravi was not playing. Boys were playing. Boys were not playing. तो इस तरह से हम जो सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनके अकॉर्डिंगली हम उनके साथ वाज या वर लगाते हैं. जैसे आई के साथ लगेगा वाज, ही शी इट के साथ लगेगा वाज, वी यू दे इनके साथ लगेगा वर. इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब हमने क्या करना है, वाज को सब्जेक्ट से पहले लगाना है या वर को सब्जेक्ट से पहले लगाना है. जैसे वाज आई प्लेइंग, वाज आई नॉट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, वर वी नॉट प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, वाज ही नॉट प्लेइंग, वाज शी प्लेइंग, वाज शी नॉट प्लेइंग, वाज इट प्लेइंग, वाज इट नॉट प्लेइंग, were they playing, were they not playing, was Ravi playing, was Ravi not playing, were boys playing, were boys not playing. तो इस तरह से हम बनाएंगे interrogative और negative interrogative sentences. अब इसके बाद हम इनका uses देखते हैं. इस tense का use जो है, the past tense is past continuous tense is used to express an action that was in progress at some time in the past. तो past में जो कोई action progress में था उसको express करने के लिए हम past continuous tense use करते हैं. जैसे for example, I was taking my bath at 8 o'clock. तो means past में 8 o'clock पे मैं क्या कर रहा था, नहा रहा था. I was taking my bath at 8 o'clock means उस टाइम पे जो मेरा एक्शन प्रोग्रेस में था मैं उसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के थ्रू. तो इसी तरह से आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन ही केम, तो जब वो आया तो मेरा कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में था, मैं खेल रहा था. तो वो एक्शन मेरा प्रोग्रेस में था तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं कौन सा टेंस यूज़ कर रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. आई वॉज playing in the garden when he came. इसी तरह से next use है इसका, to express two or more actions in progress at the same time. दो या उससे ज़्यादा actions अगर progress में हों एक ही time पे तो उनको express करने के लिए भी हम use करते हैं past continuous tense. जैसे for example, while I was doing my homework, my brother was playing outside. तो यहाँ पे टू एक्शंस हो गए, एक तो मैं मेरा काम कर रहा था घर पे, होमवर्क कर रहा था, और मेरा ब्रदर जो है वो बाहर खेल रहा था. तो टू एक्शंस अगर सेम टाइम में प्रोग्रेस में हैं तो उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो स्टूडेंट्स उस टाइम क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे जब टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे. तो टू एक्शंस प्रोग्रेस में है यहाँ पे भी पास्ट में, स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे और टीचर जो थे वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे. तो यहाँ पे भी टू एक्शंस एट द सेम टाइम प्रोग्रेस में थे. नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड अनडिज़ायरेबल पास्ट एक्शन. तो कुछ पास्ट का एक्शन जो रिपीटेडली काफ़ी बार मीन्स होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स एक ऐसा एक्शन जो रिपीटेडली हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कौन सा वो एक्शन, लेकिन पास्ट में. जैसे शी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग हिम, वो हमेशा उसे ताना मारती रहती है, रहती थी, है नहीं, मीन्स इसका प्रेजेंट से नहीं है, ये पास्ट की बात हो रही है. तो मीन्स पास्ट में ही एक्शन था, पास्ट में ही ख़त्म हो गया. तो मीन्स शी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग हिम मीन्स वो उसको हमेशा ताना मारती रहती थी, पास्ट का एक्शन है, पास्ट में ही ख़त्म हो गया.
उसके बाद ही वॉज ऑलवेज कमिंग एट ऑड आवर्स, वो हमेशा मीन्स वो ऑड आवर्स में बुरे टाइम पे हमेशा जो है वो आता रहता था। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जो मीन्स ऑफन रिपीटेड अनडिज़ायरेबल एक्शन होते हैं पास्ट में, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस।